हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्शा। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो वर्कशॉप रहेगी उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। वो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी के रिगार्डिंग रहेगी। तो आज की हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी की वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रही है और गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और अच्छे एडवांस टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। तो आज का जो हमारा ओवरव्यू है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। गाइज यस, हम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट मतलब आपको थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी बट लेकिन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। एक मतलब नेटवर्क होता क्या है, तभी आप रिलेट कर पाओगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी किस तरीके से हम डिप्लॉय करते हैं और क्यों ये जरूरी होता है इस वजह से। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से, देन फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा। हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी पूरी जो हमारी वर्कशॉप की सीरीज रहेगी वो हमारी फायरवॉल के लिए रहेगी। किस तरीके से, क्या क्या टाइप रहते हैं, सारी चीज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। सो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर काफी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया जाता है, मतलब एक कनेक्शन। ठीक है, लाइक डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाना या फिर डिवाइसेस को कनेक्ट करना ही क्या होता है, नेटवर्क होता है। अब ये नेटवर्क बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि नेटवर्क हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो हम क्या कर पाए, कम्युनिकेट करा पाए। मतलब जो हमारे डिवाइसेस है, मल्टीपल डिवाइसेस है, 4 5, ये मतलब अगर हम स्मॉल नेटवर्क की बात करें, लेकिन एक लाइक बिग नेटवर्क की बात करें, कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर वर्ल्ड वाइड हम इंटरनेट की ही बात करें, तो उस पे आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नेटवर्क है और हम किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप कहीं भी किसी भी जियो लोकेशन पे बैठे हैं और वहां वहां से आप क्या कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड, किसी भी लोकेशन पे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये नेटवर्क की हेल्प से हो रहा है। अगर ये नेटवर्क ना हो और ये कनेक्शन ना हो तो ये कितना मतलब इम्पोसिबल है कि आप यहाँ पे बैठे लाइक किसी भी लोकेशन पे, नॉट इवन इन दी अदर कंट्री, आप दूसरे आपके साथ में कोई डिवाइस है उससे भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे, डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इस वजह से हम नेटवर्क बनाते हैं। और भी चीजें होती हैं जैसे कि रिसोर्सेज को शेयर करना, उसके लिए भी हम करते हैं रिसोर्सेज को शेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क के अंदर 100 डिवाइसेज हैं, 100 नहीं तो आप यूं लगा लो कि 20 30 50 डिवाइसेज हैं। और आपके पास जो प्रिंटर है, यानी जो आपका रिसोर्स है प्रिंटर, प्रिंटर आपके पास एक ही अवेलेबल है और आपको मतलब लाइक सारे जो हमारे 50 और लाइक 10 20 जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, आपको क्या करना है, उन डिवाइसेस सारी डिवाइसेस को क्या करना है, प्रिंटर को यूज करना है। अब प्रिंटर को यूज करने के लिए और एक ही टाइम पे करना हो तो, और सभी डिवाइसेस को करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पर डिवाइस एक प्रिंटर होना चाहिए। यानी अगर 50 डिवाइस है तो 50 प्रिंटर होने चाहिए, और 20 डिवाइस हैं तो 20 आपके पीसी हैं तो 20 आपके प्रिंटर होने चाहिए। तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हुआ और एक बिल्कुल अच्छा मैनर तो बिल्कुल नहीं हुआ। हम अपने मतलब लाइक हमारे नेटवर्क के अंदर इस तरह की चीजें आई तो ये बिल्कुल ही एक सही तरीका हुआ ही नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं हुआ और एक मैनेजमेंट भी सही से नहीं हो पाएगी। तो लेकिन आपने कभी देखा है कि किसी भी नेटवर्क में, आपने आपके कॉलेज के अंदर एक प्रिंटर को मतलब इतने सारे वहां पे डिवाइसेस होंगे, एक लैब जो भी होती है उनके अंदर एक ही प्रिंटर होता है, किस तरीके से वो सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर उस प्रिंटर को शेयर कर रहे होते हैं और सारे डिवाइसेस मतलब किसी भी डिवाइस से वो क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रिंट आउट मतलब कॉपी कोई निकालनी होती है तो उस प्रिंटर का यूज कर पाते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, कंप्यूटर के, सॉरी हमारे नेटवर्क की वजह से हो रहा है। ये हमारा सबसे अच्छा फायदा रहता है। तो यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए भी हम हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब नेटवर्क का यूज करते हैं।
जिसमें क्या होगा, डिवाइस, अब पूरे जो जितने भी डिवाइस है नेटवर्क के अंदर उसमें शेयरेबल कर दिया, ठीक है, उस रिसोर्स को कोई भी शेयर कर पाएगा, नेटवर्क बना दिया और उस नेटवर्क के अंदर कोई भी जो डिवाइस है उस प्रिंटर को उस रिसोर्स को शेयर कर सकता है। तो इससे काफी मतलब फायदा हो गया ना। किस तरीके से फायदा हुआ हमारा, एक तो क्या हो गया, हमारे जो डिवाइस है उसके लिए कोस्ट, हमारी कोस्ट इफेक्टिव ज्यादा अच्छा मैनर हो गया ये। और दूसरा हमारे मतलब एक तरह से मैनेजमेंट भी अच्छी खासी हो जाती है। तो ये सारा हमारा फायदा रहता है किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू कनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, और स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सारे हमारे डिवाइसेस हो गए। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, हमारे IoT डिवाइसेस भी हम आजकल इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। IoT डिवाइसेस बेसिकली हमारे कौन से होंगे, जो आजकल जो भी आपको ऑटोमेटिक चीजें दिख रही हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक डिवाइसेस, इवन आप जो ब्लूटूथ यूज करते हो, ब्लूटूथ तो वाली जो डिवाइसेस होती हैं, और आपके जो स्मार्ट वॉचेस हैं, या फिर बहुत सारी आजकल जो डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिक आने लग गई हैं, जिनको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो हमारे किस में आ जाती है, IoT डिवाइसेस के अंदर आ जाती है। IoT बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो एन एवर एक्सपेंडिंग एरे ऑफ IoT डिवाइसेस सच एज कैमरा हो गया, डोर लॉक्स, डोर बेल्स, रेफ्रिजरेटर्स, ऑडियो विजुअल सिस्टम, थर्मोस्टेट्स एंड वेरियस सेंसर दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ सच नेटवर्क। तो ये जो हमारे IoT डिवाइसेज हैं, ये भी हमारे आजकल नेटवर्क के अंदर ही आने लगे हैं। तो ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। दूसरा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में ही मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बताऊंगी। सो वैसे तो मेजरली तो हम लैन और वैन के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बट इनके अंदर भी फर्दर हमारे कुछ और भी टाइप्स होते हैं नेटवर्क के, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। तो मेजरली हमारे क्या होते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, लोकल एरिया, इन दी लोकल एरिया। लोकल एरिया मीनिंग कि एक स्मॉल एरिया के अंदर नेटवर्क बनाया जा रहा है, यानी एक स्मॉल एरिया के अंदर एक स्मॉल नेटवर्क बनाया जाएगा, कुछ डिवाइसेस लाइक कुछ कुछ ही उसके अंदर डिवाइस होंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क वो नहीं होगा, एक लोकल एरिया के अंदर होगा। सो अ लोकल एरिया नेटवर्क एब्रिवेटिव फ्रॉम ओके अ लैन एब्रिवेटिव फ्रॉम लोकल एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। एक तरह से स्मॉल यूनिट हम बोल सकते हैं नेटवर्क की। तो स्मॉल एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर इसको बनाया जाता है, जैसे कि हो सकता है होम, ठीक है, आपके घर पे जितनी डिवाइसेज हैं आपको उनको कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना है, ऑफिस हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग भी हो सकती है। ये सारा किसमें आता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। देन वैन की बात करते हैं, वैन हमारा रहता है वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से पता चल रहा है वाइड एरिया, इन दी वाइड एरिया, तो काफी लार्ज एरिया के अंदर हम कहेंगे, वाइड एरिया के अंदर हम कहेंगे, इज अ नेटवर्क दैट कवर्स लार्जर जियोग्राफिकल एरियाज दैट कैन स्पैन द ग्लोब। मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा, काफी सारे लोकल एरिया नेटवर्क को मिलके ये बनाया जाता है, यानी नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी हम इसको बोल सकते हैं, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क इसके अंदर होंगे। अब ये क्या करता है, ये पूरी कंट्रीज को कनेक्ट करता है। जैसे हम आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड मतलब हर कहीं से भी हम कनेक्ट हो पाते हैं, तो किसकी वजह से, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या होगा, इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट है ना, कहीं से भी, कहीं पे भी हम बात कर सकते हैं, कहीं से भी हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, कोई PDF फाइल सेंड कर सकते हैं, गूगल मीटिंग मतलब गूगल मीट हो सकता है, या फिर जो भी आपकी जूम मीटिंग व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, वाइड एरिया नेटवर्क हम कह सकते हैं। ये एक बहुत मतलब ग्लोबलाइज नेटवर्क हम कहते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे होता है और इसके अंदर काफी सारे लोकल एरिया नेटवर्क आ जाते हैं, तो इसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या रहा, कंप्यूटर सॉरी हमारे नेटवर्क के टाइप रहे। बाकी और भी इनके अंदर फर्दर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क कैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, और भी इसमें नेटवर्क हम कह सकते हैं, मतलब जिनको यहाँ पे सब कैटेगराइज करा गया है।
तो लास्ट हमने प्रीवियस जो हमारे नेटवर्क फंडामेंटल्स के सेशन थे वर्कशॉप के, उनमें हमने इन बेसिक्स को अच्छे से डिस्कस करा था। तो अब इसको मैं और भी बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी, अब हम फायरवॉल की तरफ जंप करते हैं। अब बात आती है फायरवॉल की। तो देखो, ये हमने नेटवर्क बनाया, तो देखो चाहे वो वर्ल्ड वाइड हमारा नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, इंटरनेट ही लगा लिया, या फिर प्राइवेट एरिया नेटवर्क एक हमने छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बना रखा है, एक छोटे लाइक बिजनेस के लिए हो सकता है, बड़े बिजनेस के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी होती है, सिक्योरिटी इन द सेंस की वो नेटवर्क की सिक्योरिटी हो सकती है। कोई जैसे आजकल बहुत ज्यादा थ्रेड सुनते रहते हो कि लाइक उबर हैक हुआ था अभी, ठीक है, और भी ऐसे कंपनीज हैक होती रहती है, फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो ये जो मैलिशियस थ्रेट आते हैं, ये मैलिशियस लिंक आते हैं, या फिर बहुत सारे तरीके हैं इन साइबर थ्रेट्स के, तो इनसे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फायरवॉल। मतलब इनके लिए कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। तो फायरवॉल बेसिकली है क्या? अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज। मुद्दे की बात क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है कौन? हमारी फायरवॉल। फायरवॉल हमारी क्या है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि क्या करती है, मॉनिटर करती है, ठीक है, आपका जो भी ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, मतलब इनकमिंग है या फिर आउटगोइंग है, या और आपके ट्रैफिक को क्या करा जा रहा है, यहाँ पे मॉनिटर करा जा रहा है, फिल्टर करा जा रहा है, और मतलब वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है, या फिर जो भी जहाँ पे भी आपका जो भी जितना बड़ा नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, या फिर और भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। तो वहां पे एक ऐसी डिवाइस ये रहेगी, एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि ट्रैफिक जो आउटगोइंग है या फिर इनकमिंग है उसको फिल्टर करने का और मॉनिटर करने का काम करती है, ये हमारी फायरवॉल होती है। तो अगर हम बात करें जो हमारी फायरवॉल होती है वो दो तरीके से होती है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती है और हमारी हार्डवेयर बेस्ड भी होती है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ डज फायरवॉल वर्क, ठीक है। अब ये जो फायरवॉल है इसका काम किस तरीके से, काम किस तरह करती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। फायरवॉल्स केयरफुली एनालाइज इनकमिंग ट्रैफिक based on pre-established rule and filter traffic coming from unsecure or suspicious sources to prevent attacks। मतलब firewall हमारी क्या है, एक हमारी device है जो कि क्या कर रही है, यहाँ पे जो आपका incoming traffic है उसको analyze करने का काम कर रही है कि ये जो traffic है वो मतलब उसको अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, deny कर देना चाहिए, discard करना है, या फिर मतलब किस तरीके से, ठीक है, ताकि कोई भी जो अटैक है ना, लाइक कोई भी अटैक है वो ना हो पाए, मतलब आपके लाइक आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी या फिर मैलिशियस कोई अनसिक्योर लिंक या फिर कुछ ट्रैफिक ऐसा आ गया है जो कि डेंजरस हो सकता है आपके नेटवर्क के लिए, तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे फायरवॉल लगा रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये एनालाइज हो रहा है, तो इनकमिंग जो ट्रैफिक है या फिर आउटगोइंग, ये ट्रैफिक को एनालाइज करा जा रहा है, किस बेसिस पे करा जा रहा है, कौन से ट्रैफिक को तो क्या करा जाएगा, डिस्कार्ड करा जाएगा, और कौन से को अलाउ करा जाएगा। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्री एस्टैब्लिश रूल, मतलब आपके फायरवॉल के ऊपर कुछ यहाँ पे रूल्स लगाए जाते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स लगाए जाते हैं कि कोई फॉर एग्जाम्पल एक आईपी है 192.168.1.10, इस आईपी से मतलब इस आईपी के लिए कौन सी सर्विस को अलाउ करना है, कौन सी सर्विस को ब्लॉक करना है, या फिर इस आईपी को ही ब्लॉक करना है या फिर अलाउ करना है, ठीक है। तो मतलब ये रूल सेट करे जाएंगे कि अगर यहाँ पे टीसीपी कोई सर्विस आती है, आईसीएमपी कोई सर्विस आती है, तो इनके लिए किसको अलाउ करना है, अगर इस ट्रैफिक मतलब इस टाइप का जो ट्रैफिक रहेगा किसके लिए क्या करना है, अलाउ करना है, किसके लिए ब्लॉक करना है, ये क्या होगा, पहले से ही रूल सेट कर दिए जाएंगे, उसके बाद ये इस तरीके से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये रहता है फायरवॉल्स गार्ड ट्रैफिक एट अ कंप्यूटर्स एंट्री पॉइंट। ये क्या है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर लाइक कोई भी बिल्डिंग है उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करा जाता है,
सिक्योरिटी गार्ड इस चीज का नजर रखता है ना कि किसको एंटर हमें तो अंदर आने देना है, कि कौन सा सोसाइटी का पर्सन है और कौन सा नहीं है। अगर कोई मतलब बाहर साइड का कोई है तो मतलब उसको परफेक्टली सही से फिल्टर करना कि इस पर्सन को अंदर जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। एक तरह से ये काम कौन कर रहा है यहाँ पे, फायरवॉल। सो फायरवॉल्स गार्ड ट्रैफिक एट अ कंप्यूटर्स एंट्री पॉइंट। एक तरह से गार्ड का काम कर रहा है कहाँ पे, कंप्यूटर के एंट्री पॉइंट पे, कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मतलब किस तरीके से कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कोल्ड पोर्ट, ठीक है। अब ये कहाँ पे, जो हमारे पोर्ट होते हैं ना उन पे काम कर रहा है ये गार्ड का, ठीक है। पोर्ट बेसिकली हमारा क्या होता है, पोर्ट एक ऐसा गेटवे होता है जहां से हमारा जो डेटा है, जो हमारा ट्रैफिक है, वो एंटर कर सकता है या फिर एग्जिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो घर है, उसमें एक गेट होता है, दरवाजा, जहां से आप या तो बाहर जाते हैं या फिर अंदर आते हैं। मतलब एक ऐसा सोर्स तो होता ही है जहां से आप, मतलब ऐसा तो नहीं है आपका घर है आपको बाहर जाना है, तो कोई तो ऐसा एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा ना जिससे आप बाहर निकल सकते हैं या फिर अंदर आ सकते हैं। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो उन पोर्ट से जो डेटा है या तो आ पाएगा या फिर चला जाएगा, ठीक है। एक तरह एंट्री पॉइंट, गेटवे आप बोल सकते हो, गेटवे का काम करता है हमारा पोर्ट। तो जो पोर्ट है हमारा, जो हमारा गेटवे है, इस पे गार्ड का काम कौन कर रहा है, फायरवॉल। फायरवॉल यहाँ पे गार्ड का काम कर रही है यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे, कि भाई कौन सा ट्रैफिक किसको एंट्री देनी है किसको नहीं देनी है। विच इज वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज विद एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ जैसे इंफॉर्मेशन जो भी एक्सचेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन जो आ रही है जा रही है, उस पे गार्ड का काम करने का काम कौन कर रहा है, फायरवॉल। फॉर एग्जाम्पल सोर्स एड्रेस, यहाँ पे देखो पूरा ये एग्जाम्पल के तौर पे सोर्स एड्रेस हमारा है 172.18.1.1 इज अलाउड टू रीच डेस्टिनेशन 172.18.2.1 ओवर पोर्ट 22। अब यहाँ इसके कहने का मतलब क्या है, ये रूल यहाँ पे सेट करा हुआ है कि सोर्स डेस्टिनेशन, सॉरी, सोर्स जो एड्रेस है वो 172.18.1.1 है, उसके लिए मतलब अलाउ कौन से ट्रैफिक को करना है, डेस्टिनेशन, मतलब क्योंकि उसे जाना कहाँ पे, डेस्टिनेशन हमारा क्या है, डेस्टिनेशन आईपी ने दिया 172.18.2.1, और कौन से पोर्ट के लिए अलाउ करना है, 22, ठीक है, पोर्ट नंबर 22 के लिए इसको अलाउ करना है। तो ये बेसिकली यहाँ पे फायरवॉल पे ऐसे रूल सेट कर रखा है। तो ये अगर यहाँ पे अलाउ की जगह डिनाई होता तो वो डिनाई कर दिया जाता, ठीक है, ब्लॉक कर दिया जाता, डिस्कार्ड कर दिया जाता उस रिक्वेस्ट को। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है बेसिकली। इसी तरीके से फायरवॉल हमारी काम करती है, वर्क करती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे कि जो आपको क्लाउड दिख रहा है, क्लाउड आपका क्या है, एक तरह से आईएसपी है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इंटरनेट कह सकते हो, आउटसाइड नेटवर्क बोल सकते हो, या फिर अनसिक्योर, ठीक है, इंटरनेट या फिर जो हमारा पब्लिक नेटवर्क होता है हम उसको अनसिक्योर नेटवर्क बोल देते हैं। और जो आपका पीसी दिख रहा है वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क के अंदर अब देखो क्या हो रहा है, जो आप प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक की तरफ जाते हो, तो आपके साइड से जो प्राइवेट नेटवर्क की साइड से जो आपका आप जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जो भी ट्रैफिक भेज रहे हो, वो आपका मैलिशियस नहीं होगा। लेकिन जो आउटसाइड यानी पब्लिक नेटवर्क की साइड से जो नेटवर्क जो भी रिक्वेस्ट ट्रैफिक आता है वो मैलिशियस हो सकता है, ठीक है। तो उसके फिल्टरिंग के लिए यहाँ पे हम फायरवॉल यूज कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे देखो, जैसे इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है तो यहाँ पे फायरवॉल पे क्या होंगे, रूल सेट होंगे, किसको अलाउ करना है किसको डिनाई करना है। तो यहाँ पे देखो जो भी ट्रैफिक है, कुछ ट्रैफिक तो अलाउ हो गया है, कुछ को डिस्कार्ड यहाँ पे कर दिया गया है, उसको यहाँ पे अंदर जाने की, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जाने की एंट्री नहीं मिली है। तो ये कुछ हमारा सिनेरियो इस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से हमारी फायरवॉल काम करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल के टाइप क्या रहते हैं। बेसिकली ये दो टाइप से होती है, ये सॉफ्टवेयर बेस होती है और हमारी हार्डवेयर बेस होती है, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सॉफ्टवेयर बेस नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, और होस्ट बेस भी आप इसको बोल सकते हो, मीनिंग कि आपको जो सिस्टम है ना, जो आपका डिवाइस है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बेस यानी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा एज अ फायरवॉल। और वो क्या कर रहा होगा, आपके सिस्टम को पे जो भी मैलिशियस ट्रैफिक आ रहा है उससे आपको, मैं आपके सिस्टम को प्रिवेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपके जो विंडोज है, विंडोज पे क्या होता है, विंडोज डिफेंडर होता है, सॉफ्टवेयर बेस ही है ना ये,
तो आपके सिस्टम के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड विंडोज डिफेंडर होता है, या फिर अगर आपको कोई और विंडोज डिफेंडर के अलावा भी कोई लाइक क्विक हील, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है, क्विक हील का नाम दिया है, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी आपका, ये भी हमारा डिफेंडर ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो एक तरह से ये फायरवॉल होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड, और ये कह सकते हैं हम अ सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज अ प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन ईच कंप्यूटर एंड रेगुलेट्स ट्रैफिक थ्रू पोर्ट नंबर्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपकी एक जो आपका डिवाइस है होस्ट बेस्ड, जो आपका होस्ट है या फिर जो डिवाइस है, आपका पीसी हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, जो भी आपका डिवाइस है उसमें एक प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो कि क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है आपके ट्रैफिक को पोर्ट नंबर एंड एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब थ्रू पोर्ट नंबर एंड एप्लीकेशन। आपने देखा होगा ना, आपके पास नोटिफिकेशन आता है कोई आपको कोई भी मेलिशियस वेबसाइट पे विजिट कर लेते हो, या फिर कोई आपके सिस्टम के अंदर कोई वायरस मतलब एंटर करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि वायरस फाउंड समथिंग, इस तरीके से थ्रेड फाउंड, ये इस टाइप से नोटिफिकेशन ही देता है। देन आता फिजिकल फायरवॉल, इसको हम हार्डवेयर बेस पे बोलते हैं। हार्डवेयर देखो, सॉफ्टवेयर बेस क्या रहेगी, सिंपल आपके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर बेस फायरवॉल क्या रहेगी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके अंदर क्या करे जाते हैं, डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या कराया जाता है, डिप्लॉय करा जाता है एज अ फायरवॉल। सो फिजिकल फायरवॉल इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, इसको हम पीस ऑफ इक्विपमेंट बोल सकते हैं, या फिर एक हार्डवेयर डिवाइस हमारी होती है जिसको इंस्टॉल करा जाता है बिटवीन योर नेटवर्क एंड गेटवे, ठीक है, आपके गेटवे और नेटवर्क के बीच में इसको डिप्लॉय करा जाता है और ट्रैफिक फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग करी जाती है। तो ये हमारे दो टाइप के फायरवॉल रहते हैं। अब बात करते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, अभी हम थोड़े से मतलब फायरवॉल्स के टाइप्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फायरवॉल होती क्या है, उतने तक हमने देखा। अब देख रहे हैं हम कि जो हमारी फायरवॉल है उसके टाइप कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले आता है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में क्या होता है, जो आपके पैकेट्स होते हैं ना, उनको क्या करा जाता है, फिल्टर करा जाता है, यानी किस पैकेट को अलाउ करना है और किसको डिनाई करना है, तो ये रहता है। अब इसके अंदर भी जो हमारी कैटेगरीज होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेटफुल, क्या होता है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, विच इज स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। अब ये स्टेटफुल क्या है और स्टेटलेस क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, स्टेटफुल और स्टेटलेस होता क्या है, स्टेटफुल से बात करते हैं। स्टेटफुल यानी स्टेट को मेंटेन करा जा रहा है, स्टेट मेंटेन मीनिंग जो आपकी कनेक्शन है, जैसे कि किसी भी सोर्स ने कोई ट्रैफिक, कोई भी पैकेट सेंड करा है किसको, डेस्टिनेशन को, तो अब जो पैकेट जा रहा है वो सिंपल सीधा पैकेट तो नहीं जाता है, आपका जो पैकेट होगा उसके साथ क्या क्या जाएगा, एक तो सोर्स का एड्रेस जाएगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस जाएगा, सोर्स का पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब कौन सा प्रोटोकॉल वो यूज कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। तो जो ये हमारा स्टेटफुल फायरवॉल है उसके अंदर क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो ये कनेक्शन की जो कनेक्शन है हमारा, जो इसके अंदर मतलब स्टेट टेबल जो है वो मेंटेन करी जाती है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब कोई भी पैकेट है, पैकेट के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम हेडर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सिंपल स्टेट समझो, ठीक है, कनेक्शन की ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इसको मेंटेन करके रखा जाता है स्टेट टेबल के अंदर, ताकि अब देखो सोर्स टू डेस्टिनेशन तो पहुंच गया है ट्रैफिक, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी गई है किस पे, फायरवॉल पे, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, और सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है। तो अब जैसे आपके डेस्टिनेशन पे वो ट्रैफिक पहुंच गया है, डेस्टिनेशन से अब वापस भी आएगा, ठीक है, डेस्टिनेशन से वो वापस आपके सोर्स के पास भी वो ट्रैफिक आएगा, तो अब वो वापस आते हुए पहले किस पे जाएगा, फिर से फायरवॉल पे जाएगा। अब फायरवॉल ये चेक करेगी जो ट्रैफिक सेंड हुआ था, मतलब जो ये हमारा अब इनकमिंग जो ट्रैफिक आ रहा है,
क्या मेरे पास इसके लिए इंफॉर्मेशन है, कोई स्टेट टेबल के अंदर ये मैच करके देखेगा क्या इस ट्रैफिक के लिए इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो इसको अलाउ कर दिया जाएगा, अदरवाइज इसको डिनाई कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटफुल रहता है कि जो स्टेट होती है ना उसको मेंटेन करा जाता है, जो स्टेट टेबल यहाँ पे मेंटेन होती है फायरवॉल पे। स्टेटलेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोई इस तरीके से ये सिनेरियो होता नहीं है, कोई यहाँ पे स्टेट टेबल का सिनेरियो रहता नहीं कि स्टेट टेबल यहाँ पे मेंटेन करी जाएगी, तो ये यहाँ पे होता नहीं है। तो जो स्टेटफुल हमारी जो फायरवॉल है उनको ज्यादा मतलब सही और सिक्योर माना जाता है एज कम्पेयर टू स्टेटलेस। स्टेटलेस को इतना सिक्योर यहाँ पे माना नहीं जाता है। तो अगर मैं पैकेट फिल्टरिंग की और थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पे क्या होता है सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे, पैकेट्स को किसको अलाउ करना है और किसको डिनाई करना है। और जो पैकेट फिल्टरिंग हमारी फायरवॉल्स हैं उनको हम राउटर पे भी क्या कर सकते हैं, सिंपली हमको अलग से कोई डिवाइस लेने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा राउटर पे भी इनको इन रूल्स को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है। बट प्रॉब्लम भी रहती है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स की, वो ये रहती है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेवल के जो हमारे थ्रेड्स होते हैं उनको ये फिल्टर नहीं कर पाती है, तो ये रहता है। अब थोड़े डिसएडवांटेज देखते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के। तो दे कांट डिटरमाइन इफ द कंटेंट ऑफ द रिक्वेस्ट दैट इज बीइंग सेंट विल एडवर्सली अफेक्ट द एप्लीकेशन इट्स रीचिंग। मतलब एप्लीकेशन लेवल के जो एप्लीकेशन लेयर जो हमारी है उसके लेवल के अगर कोई थ्रेट मिला, ठीक है, उसके मतलब वहां एप्लीकेशन लेयर का जो या फिर एप्लीकेशन लेवल का कोई थ्रेट आया तो उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएगी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, तो वहां पे ये फेलियर आ जाता है, ठीक है, हमारे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का। तो इस वजह से अब इसको हम लाइक बड़े नेटवर्क्स के अंदर इसको ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बिल्कुल सही ही नहीं है, इसको हम मतलब यूज ही नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इसको सिंपली हम राउटर पे भी क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और सिंपल रूल्स लगा सकते हैं, तो कोई खराबी नहीं है। लेकिन सिर्फ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के बेस पे हम नेटवर्क सिक्योरिटी हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमारे स्टेटफुल जो हमारे फायरवॉल्स रहेंगे उनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, तो उनको भी लगाना जरूरी हो जाता है। अगर दूसरा पॉइंट क्या है, इफ अ मैलिशियस रिक्वेस्ट that was allowed from a trusted sources address would result in say the deletion of a database, the firewall would have no way of knowing that. Meaning यहाँ पे क्या है, जैसे कि अब ये जो state table या फिर यहाँ पे देखो, पहले बात तो state table का कुछ है होता ही नहीं है scenario, या फिर हो भी तो यहाँ पे देखो packet filtering firewall में सबसे बड़ी problem क्या रहती है, जो अंदर जो डेटा है उसको चेक करने में ये मतलब सक्सेसफुल नहीं होता। यानी ये सोर्स एड्रेस चेक कर लेगा, ठीक है, अगर हम स्टेट टेबल की बात करें, सोर्स एड्रेस है उसको भी ये चेक कर लेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस उसको चेक कर लिया, यानी जो हेडर की जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उन सब को चेक कर लेगा। बट लेकिन जो एक्चुअल पेलोड है, जो एक्चुअल जो डेटा है उसको चेक किया ही नहीं जा रहा है, ठीक है, वो भी तो मेलिशियस हो सकता है, बट वो यहाँ पे चेक किया ही नहीं जा रहा है। अगर डेटा मेलिशियस है तो वो भी तो इम्पैक्ट करेगा, वो उसको चेक करने में सक्सेसफुल नहीं होती। इस वजह से हम कह सकते हैं ये हमारे मतलब इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये जो पेलोड है डेटा को चेक कर पाए। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड प्रॉक्सी फायरवॉल आर मोर इक्विप्ड टू डिटेक्ट सच थ्रेट। तो इस टाइप के जो थ्रेट्स हैं जो एक्चुअल डेटा और पेलोड पे होते हैं उनको हमारे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल तो नहीं चेक कर पाती है, डिटेक्ट नहीं कर पाती है, लेकिन जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं या फिर प्रॉक्सी फायरवॉल्स हैं वो इस टाइप के जो थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकती है। तो ये हमारा रहता है, ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज थे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जनरेशन है तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एनहांसमेंट रही होंगी हमारे बेसिकली जो हमारे ट्रेडिशनल फायरवॉल से उनके कंपेयर में कुछ, मतलब नेक्स्ट जनरेशन है तो कुछ यहाँ पे
कुछ नई एडवांसमेंट्स आई होंगी, ठीक है। तो नई जनरेशन फायरवॉल कंबाइन ट्रेडिशनल फायरवॉल टेक्नोलॉजी, ये ट्रेडिशनल फायरवॉल टेक्नोलॉजी और एडिशनल फंक्शनलिटीज दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें काफी सारी यहाँ पे इनहेंस्ड फंक्शनलिटीज होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फायरवॉल टेक्नोलॉजी, जैसे कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक इंस्पेक्शन। देखिए, जो आपका ट्रैफिक होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इनक्रिप्ट करा जाता है, ठीक है। इनक्रिप्ट में क्या होता है कि कोई भी मैन इन द मिडल या फिर सीधे से अगर कोई देखना चाहे उस ट्रैफिक को, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में होता नहीं है। तो उसको इजीली तो हम ये नहीं कह सकते कि लाइक ये मेलिशियस है या फिर नहीं है। तो ये क्या करता है, मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल फायरवॉल की बात करें तो वहां पे ये प्रॉब्लम थी कि जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है उसको इंस्पेक्शन या फिर उसको चेक नहीं, उसको वहां पे फिल्टर नहीं कर पा रहे थे वो, जो हमारे ट्रेडिशनल फायरवॉल टेक्नोलॉजी थी। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर क्या आया कि इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है ना, उसको भी इंस्पेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी यहाँ पे आ गया। इसका मीनिंग क्या होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम में क्या रहता है कि जो भी आपका मेलिशियस ट्रैफिक रहेगा उसको ना सिर्फ डिटेक्ट करना, अगर कोई ऐसा डिटेक्ट हो भी जाता है, कोई मेलिशियस जो ट्रैफिक है वो क्या हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे उसको क्या करना, उसके लिए एक्शन भी लिया जाएगा। प्रिवेंशन के अंदर प्रिवेंट भी करा जा रहा होगा, यानी मान लो कोई मेलिशियस एक्टिविटी है, कोई ट्रैफिक ऐसा फाउंड हुआ है, तो वो खुद से एक्शन ले पाएगा और उस ट्रैफिक को वहां पे या तो डिस्कार्ड कर देगा या फिर जो भी उसके ऊपर रूल है वो उसके रूल के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा, और नेटवर्क को यहाँ पे इस मतलब कोई भी मेलिशियस थ्रेट से या फिर कोई भी साइबर थ्रेट से ही बचा लेगा। देन आता है एंटीवायरस, एंटीवायरस का भी काम करेगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिकली आपके सिस्टम पे कोई भी वायरस या फिर मेलिशियस एक्टिविटी मतलब हो रही है, कोई ट्रैफिक इस टाइप से आ रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीवायरस होते हैं। तो उसका काम भी हमारा कौन करता है, नेटवर्क जनरेशन सॉरी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हमारे काम करती है। देन मोस्ट नोटेबली इट इंक्लूड्स डीप पैकेट इंस्पेक्शन। अब ये क्या है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन भी यहाँ पे होता है। इसका मीनिंग क्या है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन इज अ टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। ये क्या है, डेटा प्रोसेसिंग है, दैट इंस्पेक्ट इन डिटेल द डेटा बीइंग सेंट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फायरवॉल, ये सिर्फ लाइक जो हेडर की इंफॉर्मेशन है, मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी सोर्स एड्रेस है या फिर डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट या फिर जो भी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, इनको तो वो चेक करेगा ही करेगा, लेकिन इनके पीछे जो एक्चुअल जो डेटा है, जो एक्चुअल जो पेलोड है उसको भी चेक करा जाएगा। हो सकता है कि वो डेटा मेलिशियस हो, ठीक है, जो ये जो हेडर की इंफॉर्मेशन है, जो जो हमारे स्टेट टेबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये तो चलो मान लिया कि वो बिल्कुल कोई उसमें मेलिशियस एक्टिविटी नहीं है, वो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है जो डेटा है, जो पेलोड है, उसके अंदर प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए पहले ट्रेडिशनल फायरवॉल में ये फीचर नहीं था। अब क्या आया, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर डीप पैकेट इंस्पेक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर जो डेटा है उसको, उसकी डिटेल्स और डेटा को भी सही से चेक करा जा रहा है। While basic firewall only look at packet headers, जो हमारे basic firewall से वो क्या करती, packet header देख लिया और सीधा बस वहाँ पे उनको allow या deny कर दिया। Deep packet inspection examine the data within the packet itself, जो packet के अंदर जो data है ना उसको भी यहाँ पे inspect करा जा रहा है deep packet inspection के अंदर। Enabling user to more effectively identify, categorize and store packets with malicious data, तो यहाँ पे क्या होगा इजिली यहाँ पे मतलब बहुत इफेक्टिव तरीके से जो डेटा है, अगर मतलब डेटा के अंदर कोई मेलिशियस एक्टिविटी है तो उसको आइडेंटिफाई करना, कैटेगराइज करना, और अगर लाइक वो मेलिशियस है तो उसको स्टॉप भी किया जा सकता है, उस पैकेट को डिस्कार्ड भी करा जा सकता है। तो ये हमारा आया किस पे, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे। तो ये आज के टाइम पे जो सबसे एडवांस जिसको हम फायरवॉल बोलते हैं, जिसको आज के टाइम पे जो यूज करा जाता है, मॉडर्न है ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिसको यूज करा जा रहा है। तो ये रहता है, देन इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। तो इसपे जैसे कि फायरवॉल वीपीएन, ठीक है,
होता क्या था, जो वीपीएन है ना, वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि हमारे नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम वीपीएन का यूज करते हैं, और ये एक तरह से इनक्रिप्टेड टनल बनाता है जिससे कोई भी मैन इन द मिडल जो पर्सन है, अटैकर है, वो लाइक जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच के जो कम्युनिकेशन है उसको डायरेक्ट नहीं देख पाता है, वो जो कम्युनिकेशन होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या आया, ये फायरवॉल और वीपीएन दोनों का काम करना शुरू कर दिया। होता क्या था कि फायरवॉल अलग से, मतलब अगर हमको वीपीएन यूज करना है तो वीपीएन और फायरवॉल दोनों अलग अलग डिप्लॉय करने पड़ते थे, तो इसमें दोनों के फीचर एक साथ ही आ गए। और इंट्रूजन प्रिवेंशन, ये मैंने अभी आपको बताया, इंट्रूजन कोई भी मेलिशियस एक्टिविटी है, कोई भी इंट्रूजन है उससे प्रिवेंट करने का काम ही कर रही है। वेब प्रोक्सी, ठीक है, प्रोक्सी का आपको थोड़ा अभी मैं आपको बताऊंगी अभी फर्दर। सो वेब प्रोक्सी का भी यहाँ पे काम कर रहा है, एंटीवायरस का काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी वायरस को यहाँ पे क्या करना, डिटेक्ट करना और उसको फिर मतलब प्रिवेंट करना सिस्टम को। वेब फिल्टर होंगे, वेब फिल्टर कोई भी वेब से कोई भी डेटा आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको फिल्टर करना। सैंडबॉक्स यहाँ पे रहता है, सैंडबॉक्सिंग बेसिकली क्या होता है, एक लाइक सैंडबॉक्सिंग इज अ साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस वे यू रन कोड, ठीक है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे आप कोड को रन कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, मतलब अच्छे से जो भी आपका कोड है ना, कोई भी प्रोग्राम है, उसको सही से इंस्पेक्ट कर पाते हो। एक मतलब ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो कोई भी कोड सीधा आपके सिस्टम को इन्फेक्ट ना करे, तो ये सैंडबॉक्सिंग यहाँ पे रहता है। SSL इंस्पेक्शन होता है, SSL यहाँ पे बेसिकली सिक्योर सॉकेट लेयर हमारी होती है, जो कि आपका जो वेब है ना, वेब वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में जो लिंक आपका बन रहा है उसको इनक्रिप्ट करने का काम कौन करती है, SSL। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कोई भी आपका जो लिंक है, जैसे जो कम्युनिकेशन हो रही है वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में, तो ये इनक्रिप्टेड हो गई, तो अब ये जो जो आपका कम्युनिकेशन इनक्रिप्ट हो गई है, तो इनक्रिप्ट हो गई है, तो जो हमारे ट्रेडिशनल फायरवॉल की हम बात करें तो वो सीधा पास हो जाती थी, उस इनक्रिप्टेड डेटा को चेक नहीं कर पाती थी ट्रेडिशनल फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन में ये हमारी इनहेंसमेंट हुई, SSL इंस्पेक्शन भी यहाँ पे आ गया। SSL इंस्पेक्शन इज दी प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड रिव्यूइंग SSL इंक्रिप्टेड इंटरनेट कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ SSL ट्रैफिक हैज बिकम क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एज द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक इज SSL इंक्रिप्टेड इंक्लूडिंग मेलिशियस कंटेंट। मतलब हो सकता है जो भी आपका ट्रैफिक है, जो कम्युनिकेशन है, और उसके अंदर कुछ मेलिशियस कंटेंट भी हो, वो भी इनक्रिप्ट हो गया, और इनक्रिप्ट हो गया है तो हमारे जो जो हम बेसिक फायरवॉल की बात करें तो उसके अंदर ये इंस्पेक्शन था नहीं, तो वो भी सीधा पास हो जाता था उस फायरवॉल से, ठीक है। तो नई जनरेशन फायरवॉल में SSL इंस्पेक्शन भी आ गया, तो ये हमारी कुछ फीचर्स हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के एज कम्पेयर टू हमारे जो हमारे प्रीवियस फायरवॉल थी उनके कंपेयर में, तो ये काफी हमारी इनहेंस फायरवॉल है। अब बात करेंगे प्रोक्सी फायरवॉल की। प्रोक्सी फायरवॉल क्या है, प्रोक्सी फायरवॉल फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक एट द एप्लीकेशन लेयर। ये क्या होती है, हमारी एप्लीकेशन लेवल या फिर एप्लीकेशन लेयर का जो ट्रैफिक है उसको फिल्टर करने का काम भी कौन करती है, प्रोक्सी फायरवॉल। देखो प्रोक्सी का आप, प्रोक्सी से आप क्या समझते हो, प्रोक्सी सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, आपने कभी सुना होगा कोई आपकी क्लास में या फिर लाइक आपके कॉलेज में स्टूडेंट, मतलब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं एक दूसरे की प्रोक्सी लगाते हैं ना, अटेंडेंस लगाते हैं, तो मतलब जो बच्चा प्रेजेंट नहीं होता है उसकी जगह पे कोई और प्रोक्सी की लगाता है, प्रोक्सी मतलब समझ रहे हो कि जो लेकिन उसके केस में प्रोक्सी आप ये देख रहे हो कि जो जो होना चाहिए, जो वहां पे बच्चा प्रेजेंट होना चाहिए उसकी जगह पे कोई और है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग अलग है लेकिन रिलेट उसी तरीके से हम करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि सोर्स है और लाइक इंटरनेट ISP अपने, मतलब ऐसे ज्यूम कर लेते हैं, तो जो सोर्स है हमारा वो एज कम्पेयर टू, मतलब जो आपका गेटवे है, ठीक है, जो गेटवे है जहां से मतलब
सीधा वो जो इंटरनेट है उस पे अपना ट्रैफिक भेजने की बजाय वहां बीच में क्या लगा होगा, एक प्रोक्सी सर्वर लगा दिया जाएगा। वो ट्रैफिक सीधा इंटरनेट पे जाने के बजाय जो आपकी क्वेरी है, जो रिक्वेस्ट है, वो डेस्टिनेशन या फिर आपका जो भी आउटसाइड नेटवर्क है उस पे पहुंचने की बजाय सबसे पहले किस पे जाएगा, प्रोक्सी फायरवॉल पे जाएगा। देन प्रोक्सी फायरवॉल क्या करेगी, उस ट्रैफिक को अगेन फॉरवर्ड करेगी आपके डेस्टिनेशन की तरफ, या फिर आउटसाइड नेटवर्क हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। तो ये रहता है। देन जो हमारा इंटरनेट के साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है उसके साइड से भी ऐसा ही होगा। अब मान लो जो आउटसाइड नेटवर्क है या फिर इंटरनेट आप लगा लो, वहां से अब वो बैक जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी सीधा आपके पास, यानी सोर्स के पास ना आके सबसे पहले किस पे जाएगा, प्रोक्सी सर्वर पे जाएगा। प्रोक्सी सर्वर पे उस पे चेक करा जाएगा कि इसमें कोई मेलिशियस एक्टिविटी, कुछ ट्रैफिक मतलब ऐसा मेलिशियस तो नहीं है, कोई एप्लीकेशन लेवल का कोई थ्रेट तो नहीं है, तो सारी चेकिंग वहां करी जाएगी। देन उसको फर्दर सोर्स के पास भेजा जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे प्रोक्सी सर्वर का ये काम करता है। सो प्रोक्सी फायरवॉल्स फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक एट द एप्लीकेशन लेयर, यानी एप्लीकेशन लेवल की जो हमारी जो फिल्टरिंग है वो भी यहाँ पे होती है। अनलाइक बेसिक फायरवॉल, जो हमारे बेसिक फायरवॉल थी, द प्रोक्सी एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन टू एंड सिस्टम। ये दो एंड सिस्टम के बीच में इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाले पर्सन का ये काम करता है, ठीक है। डायरेक्ट वो दो जो पर्सन है, जो सिस्टम है एंड सिस्टम, वो कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब डायरेक्ट वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रोक्सी सर्वर या फिर प्रोक्सी की हेल्प से आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये रहता है, लेकिन बेसिक फायरवॉल में ऐसा नहीं होता है। द क्लाइंट मस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट टू द फायरवॉल। सबसे पहले जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट को सेंड करेगा किसके पास, फायरवॉल के पास। वेयर इट इज देन इवेलुएट अगेंस्ट अ सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स एंड देन परमिटेड और ब्लॉक। तो वहां पे क्या होगा, फायरवॉल पे वो रिक्वेस्ट गई है, उसको देन इवेलुएट करा जाएगा, जो भी सिक्योरिटी रूल वहां पे लगे हुए हैं, किसको अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, ये सारे एक्शन परफॉर्म होंगे। देन उसके बाद क्या होगा, मोस्ट नोटेबली प्रोक्सी फायरवॉल्स मॉनिटर ट्रैफिक फॉर लेयर 7 प्रोटोकॉल। लेयर 7 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी यहाँ पे मॉनिटर करा जा रहा होगा, ठीक है। जैसे कि HTTP हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड यूज बोथ स्टेटफुल एंड डीप पैकेट इन्फेक्शन टू डिटेक्ट मेलिशियस ट्रैफिक। जो हमारे प्रोक्सी फायरवॉल है वो स्टेटफुल फायरवॉलिंग यानी स्टेटफुल का फीचर का यूज करती है। स्टेटफुल में क्या हो रहा था, हमने बताया, मैंने बताया था स्टेट टेबल का को यहाँ पे मेंटेन करा जाता है, किसमें, स्टेटफुल के केस में। और डीप पैकेट इंस्पेक्शन यानी डेटा जो होता है, जो पेलोड हमारा है, उसको भी यहाँ पे इंस्पेक्ट करा जा रहा होगा टू डिटेक्ट मेलिशियस ट्रैफिक। सो मेलिशियस ट्रैफिक को यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के लिए स्टेटफुल और डीप पैकेट इंस्पेक्शन का यूज करा जा रहा है। तो ये हमारी रहती है प्रोक्सी फायरवॉल। तो यहाँ पे सिनेरियो देखते हैं अब एक, जैसे कि सोर्स हमारा है, आपको सोर्स यहाँ पे दिख रहा होगा 66.7.8.0/24। ये हमारा नेटवर्क है, इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ये हमारा पीसी ने रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। पीसी रिक्वेस्ट कहाँ पे भेज रहा है, जो हमारा आउटसाइड नेटवर्क है जो कि है 10.3.4.0/24। तो वहां पे इसको रिक्वेस्ट यानी एक्स पीसी ने वाई पे डेटा को भेजना है। तो किस बेसिस पे हो रहा है, सबसे पहले तो इस जो सिनेरियो है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एआरपी रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, ठीक है। एआरपी रिक्वेस्ट किस लिए भेजी जा रही है, एआरपी क्या करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, और ये काम क्या करता है, आईपी टू मैक रिजोल्व करके देता है। यानी डेस्टिनेशन आईपी इसके पास है कि कौन सा डेस्टिनेशन पे इसको कम्युनिकेट करना है, पर उसका मैक एड्रेस है नहीं। तो ये उसको अगर किसी डिवाइस का क्या है, आईपी एड्रेस अवेलेबल है पर उसका मैक एड्रेस नहीं है, तो एआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है, उसका मैक एड्रेस रिजोल्व करके देता है। तो ये पहले एआरपी रिक्वेस्ट गई है और फायरवॉल के पास की मैक एड्रेस देखो यहाँ पे रिजोल्व, इसको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर आईपी के लिए मैक एड्रेस क्या है। देन ये वापस यहाँ पे राउटर सी पे गया है और इसने राउटिंग टेबल में इसको लिया, और देन अगेन फायरवॉल से ये रिक्वेस्ट कहाँ पे चली गई है, वाई पीसी के पास आपकी चली गई है।
तो इस तरीके से ये एक तरह से प्रोक्सी फायरवॉल का काम कर रहा है, मतलब मुद्दे की बात है जो आपकी फायरवॉल है वो बीच में यहाँ पे लगी हुई है, तो जो एक्सपीसी है वो वाई पे जो ट्रैफिक है वो सीधा नहीं भेजेगा, वो पहले प्रोक्सी फायरवॉल से पास होगा, देन ही वो क्या होगा एक दूसरे के पास ये ट्रैफिक जो होगा वो जा मतलब जा पाएगा, ठीक है, पास हो पाएगा आप कह सकते हो। तो ये सिनेरियो रहता है बेसिकली प्रोक्सी फायरवॉल का। अब बात करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, नेट, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एड्रेस ट्रांसलेट हो रहा होगा। तो इसमें क्या सिनेरियो रहता है दैट इट अलाउ मल्टीपल डिवाइसेस विद इंडिपेंडेंट नेटवर्क एड्रेस टू कनेक्ट टू दी इंटरनेट यूजिंग अ सिंगल आईपी एड्रेस, कीपिंग इंडिविजुअल आईपी एड्रेस हिडन। मुद्दे की बात है क्या कि एक मान लो कि एक नेटवर्क है, एक प्राइवेट नेटवर्क है, और उस प्राइवेट नेट मतलब जो भी आपका जो प्राइवेट नेटवर्क होता है या फिर प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं वो इंटरनेट पे राउटेबल नहीं होते हैं, वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, कर नहीं सकते हैं। तो मान लो एक नेटवर्क है उसके अंदर 50 डिवाइस हैं या फिर जितनी भी आपको कितना बड़ा नेटवर्क लगा सकते हो, तो उस प्राइवेट नेटवर्क में जितनी डिवाइस हैं वो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहती हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे क्योंकि वो तो प्राइवेट आईपी है उनके पास, प्राइवेट आईपी तो इंटरनेट से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए मान लो कि हमने एक राउटर लगाया है, ठीक है, जिसपे हमने नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नेट को इनेबल कर दिया है, ठीक है। नेट के भी टाइप होते हैं, पैट भी होता है, तो उसमें क्या रहेगा मान लो कि एक सिंगल आईपी एड्रेस, एक पब्लिक आईपी एड्रेस है ना वो वहां पे इनेबल कर दिया जाता है, उस मतलब एक सिंगल आईपी की हेल्प से वो जो सारी नेटवर्क डिवाइस जो प्राइवेट नेटवर्क की डिवाइसेस थी वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाती हैं। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे आपका आपके वाईफाई का है, जैसे आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई में आपके घर में कितनी भी डिवाइस हो सकती है। अब जो वाईफाई है, वाईफाई जो आपका राउटर है उस पे एक सिंगल आईपी की हेल्प से आपके घर के सारी डिवाइसेस जो होंगे वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। यानी प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी ट्रांसलेशन यहाँ पे होता है। मुद्दे की बात यह है प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी या फिर लाइक प्राइवेट नेटवर्क या फिर मतलब प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी का यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। तो ये सिनेरियो रहता है। एज अ रिजल्ट अटैकर स्कैनिंग अ नेटवर्क फॉर आईपी एड्रेस कैन नॉट कैप्चर स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइडिंग ग्रेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक। तो ये यहाँ पे एक तरह से अच्छी खासी सिक्योरिटी भी हो जाती है अटैकर्स, मतलब डायरेक्ट उनको पता ही नहीं चल पाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको एक और एग्जाम्पल दूं। मान लो कि आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है लेकिन आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है, और आपको कोई पास चाहिए, मतलब पास नहीं मतलब आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हो लेकिन आपको इंटरमीडिएट मतलब ऐसा ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको एक पास इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी चेंज कर दी गई है, ठीक है, और आप देन उस पब्लिक नेटवर्क के मतलब उस प्लेस पे जा सकते हो, लेकिन आप जो पब्लिक उस प्लेस में जाओगे ना तो आपकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है आप पहचाने नहीं जाओगे क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वहां पे चेंज कर दी गई है, आपको ट्रांसलेट कर दिया गया है। और सेम ऐसा ही रहेगा जैसे अब उस आउटसाइड नेटवर्क से कोई ट्रैफिक आ रहा है वो आएगा उस फेक आइडेंटिटी के साथ आएगा, अब वो जब प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आएगा तो वापस वो जो फेक आइडेंटिटी थी वो हटा दी जाएगी, वो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें अटैकर की तो अटैकर को तो जब आपकी आइडेंटिटी चेंज करी जा रही है तो आपकी जो फेक इमेज बनाई जा रही है अटैकर तो वहां पे आपको पहचान ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये भी यहाँ रहता है। नेट फायरवॉल्स आर सिमिलर टू प्रोक्सी फायरवॉल, एक तरह से प्रोक्सी फायरवॉल जैसे ही है, इन दैट दे एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड आउटसाइड नेटवर्क। तो ये भी एक तरह से जो प्रोक्सी फायरवॉल के हमने देखा है वैसे ही काम करते हैं, इंटरमीडियरी का काम करते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर प्राइवेट नेटवर्क हम कह सकते हैं, और आउटसाइड नेट ट्रैफिक जो आउटसाइड नेटवर्क है और जो आपका ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर प्राइवेट नेटवर्क है उसके बीच में इंटरमीडिएटरी का काम कौन करते हैं, नेट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल, ये रहता है। देन यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो आईपी है आपको दिख रहा है 192.168.1.5।
अब यहाँ पे नेट इनेबल राउटर है कौन सा, ये यहाँ पे है 192.168.1.1। इसने क्या करा, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे इस जो ये पीसी है प्राइवेट नेटवर्क के अंदर 192.168.1.5, इसकी पहचान बदल दी है यहाँ पे, ठीक है। इसको एक पब्लिक आईपी दे दिया है, मतलब इसकी जो एक्चुअल आईपी तो क्या थी 192.168.1.5, लेकिन उसको पब्लिक आईपी दे दी है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है 12.13.14.15, ठीक है, जो कि फेक है। वो अब किस पे जाएगी, वो यहाँ पे आउटसाइड नेटवर्क में जाएगी, ठीक है। आउटसाइड WWW आपको दिख रहा है ना, ये आउटसाइड नेटवर्क के अंदर जाएगी। और इसको कम्युनिकेट किससे करना है, ये बेसिकली जो आपको सर्वर पे आईपी दिख रहा है 40.30.20.10, ठीक है, वो हो सकता है google.com या फिर कोई भी जहाँ पे जिस भी जगह पे आपको विजिट करना है वो हो सकता है। तो अब लेकिन फिर वापसी में क्या होगा, अब ये कम्युनिकेट करा, जो भी ट्रैफिक सेंड करना था अब वो क्वेरी पहुंची। अब वापस अगर वो ट्रैफिक आ रहा है इस सर्वर से या फिर पब्लिक नेटवर्क से, वापस जो अब डेटा आएगा वो वापस कहाँ पे जाएगा, इस नेट इनेबल राउटर के पास जाएगा, 192.168.1.1 पे गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आईपी जो फेक आईपी है वो यहाँ पे जो इसने मतलब नेट नेट की जो प्रोटोकॉल है इसकी हेल्प से आईपी मिली थी उसको हटा दिया जाएगा। वापस ये प्राइवेट नेटवर्क में आते हुए अपनी ओरिजिनल आईपी के साथ यहाँ पे एंटर कर जाएगा 192.168.1.5, तो यहाँ पे ट्रैफिक वापस आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली सिनेरियो रहता है। तो अब ये मान लो कि कोई अगर मैन इन द मिडल या फिर कोई अटैकर है तो उसको तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं चलेगी, जैसे वो इंटरनेट पे है जो ट्रैफिक आपका जा रहा है, जो आपकी क्वेरी कुछ भी है, जो आपका आपका जो भी कंटेंट है आप कह सकते हो डेटा है, वो लाइक फेक इन्फॉर्मेशन के साथ जा रहा है ना, आपकी ओरिजिनल आईपी तो यहाँ पे यूज हो ही नहीं रही है, तो वो यहाँ पे पहचान नहीं कर पाएगा। और इस वजह से यहाँ पे एक तरह से फायरवॉल का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रहता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल। लास्ट वन, स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल, ठीक है। इसके वैसे तो हमने काफी बात भी कर ली है, स्टेटफुल मल्टी लेयर, मल्टी लेयर यानी इसमें मल्टी लेयर्स की फिल्टरिंग हो रही होगी, ठीक है। मल्टी लेयर को यहाँ पे जो इस आईपी पे हमारे जो लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्स को ये प्रोटेक्ट कर रहा है मैलिशियस एक्टिविटीज से। तो स्टेटफुल है, स्टेटफुल है तो इसका मीनिंग क्या है कि स्टेट टेबल को यहाँ पे मेंटेन करा जा रहा होगा। स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल फिल्टर पैकेट्स एट दी नेटवर्क, नेटवर्क पे पैकेट्स को फिल्टर करने का काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर्स, ठीक है, फिल्टर पैकेट्स एट द नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, यानी लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 7, मतलब लेयर 3 से 7 तक यहाँ पे फिल्टरिंग कर रही है। कंपेयरिंग देम अगेंस्ट नॉन ट्रस्टेड पैकेट्स, ठीक है, जो नॉन ट्रस्टेड पैकेट है ना, ठीक है, अगर कोई नॉन ट्रस्टेड पैकेट आ रहा है तो उनको मतलब उनकी फिल्टरिंग करने का काम यहाँ पे बेसिकली स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल करती है। लाइक हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हो सकती हैं, हमारी स्टेटफुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल्स आल्सो एग्जामाइन द इंटायर पैकेट, पूरे ये पैकेट को भी यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे फिल्टरिंग या फिर एग्जामाइन कर रही है। एंड ओनली अलाउ देम टू पास इफ दे पास ईच लेयर इंडिविजुअली, तो यहाँ पे है कि अब ये जो हमारी जो जो मल्टी लेयर्स को ये फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे वो पैकेट क्या है मेलिशियस नहीं है और इन लेयर्स को पास कर पा रहा है तो आगे फर्दर पास हो जाएगा, अदरवाइज को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। दीज फायरवॉल्स एग्जामाइन पैकेट टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द कम्युनिकेशन, स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे मेंटेन करी जाती है स्टेट टेबल के अंदर। दस द नेम टू इंश्योर All initiated communication is only taking place with trusted sources, ताकि जो भी आपका communication हो रहा है, जो आपका data incoming है या फिर outgoing है, वो trusted sources से ही आ पाए या फिर जा पाए, ठीक है। तो ये हमारा basically scenario रहता है stateful multi-layer inspection firewall का। अब थोड़ा सा example देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे PC1 आप PC लगा सकते हो और यहाँ पे कोई भी DNS ये आउटसाइड नेटवर्क में आप देख सकते हो www.example.com और PC का आप यहाँ पे IP क्या है 10.1.1.1।
अब इसको कम्युनिकेट करना है किसके साथ, जो हमारा पीसी है 10.1.1.1, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है, इसको कनेक्ट होना है या फिर कम्युनिकेट करना है www.example.com पे, ठीक है। तो बीच में हमारी फायरवॉल लगी हुई है, हमारा प्राइवेट नेटवर्क और आउटसाइड नेटवर्क जो कि हमारा इंटरनेट की साइड आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हो क्या रहा है, टू फायरवॉल 8080 से यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे यूज करा गया है। फ्रॉम देखो यहाँ पे है 10.1, देखो रिक्वेस्ट कहाँ से जा रही है 10.1.1.1, और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है कौन सा यूज करा गया है इस पीसी के लिए प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, 1258, ठीक है। देन फायर जो ये क्वेरी है, ये जो क्वेरी यहाँ पे देख सकते हो, रिक्वेस्ट जाएगी गेट www.example.com और index.html। देन जो भी रूल लगा हुआ फायरवॉल पे वो चेक करा जाएगा, चेक रूल्स अलाउ इंटरनल और कॉलन एनी, मतलब ये रूल सेट कर रखा है कि अगर 480 के लिए रिक्वेस्ट जा रही है तो यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो ये चलो ये हो गया, रूल को यहाँ पे डिनाई भी हो सकता है या फिर जो भी रूल यहाँ पे लगा रखा है वो हो गया। अब अलाउ किया, ये पहुंचा किस पे, हमारे आउटसाइड नेटवर्क में जो हमारा सर्वर है www.example.com, इस पे पहुंच गया, ठीक है। पोर्ट हमारा 80 यूज हो रहा है और ये फायरवॉल के लिए इसने पोर्ट दिखा दिया है, ठीक है। देन ये रिक्वेस्ट हमारी हो गई। इसी तरीके से हमारा फिर ये कहाँ पे होगा, डेस्टिनेशन से जो हमारा ये www.example.com है, इसकी साइड से जो ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, अब 10.1.1.1 पे जाएगा। तो उसके उस पे जाते हुए भी सेम चीजें यहाँ पे चेक होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट फुल है तो स्टेट टेबल बनी होगी और उसके बेसिस पे यहाँ पे अलाउ या फिर डिनाई करा जाएगा। अगर जो भी रूल है वो मैच हो जाता है तो अब रूल के अकॉर्डिंग अगर वो अलाउ करना है तो अलाउ कर दिया जाएगा, अदरवाइज डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, और नहीं यहाँ पे हो रहा है मतलब कुछ मैच नहीं हो रहा तो उसको वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा आता है स्टेट फुल मल्टी लेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल्स के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज टुडेज सेशन, सो इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हेलो एवरीवन, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं थी क्या प्रीतम? योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हेलो, ओके ओके ओके, किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई डाउट? ओके प्रीतम, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके सौरव, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन तो हमारे पूरे वर्कशॉप का जो रहेगा उसके लिए बने रहना, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी आपको पता चलेंगी। सो थैंक यू गाइज, एंड नाउ आई एम गोना बाइंड अप द सेशन, एंड हैव अ नाइस डे, एंड थैंक्स फॉर द लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन। थैंक यू गाइज।